नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। तो पहले भी एक ही रेमेडी के मैंने कई केसेस बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, तो आज फिर एक और केस के माध्यम से उसी रेमेडी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बिना प्रस्तावना के शुरू करता हूं, क्योंकि ये वीडियो केस होते हैं तो इसको इसलिए पढ़कर मुझे बोलना है। पहले वर्बेटम बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन पेशेंट के आपके सामने आ जाएं, तो जितना कोशिश होती है उतना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, इसलिए ये जितना भी होगा उतना आप उसको समझें। तो ये एक 72 ईयर्स एज की जो लेडी है, बुजुर्ग महिला है 72 साल की, और ये अपने समय में स्कूल की प्रिंसिपल रही है, उस पद से रिटायर हुई है। तो उसको काफी दिनों से अचानक घबराहट और पुरानी कब्ज की शिकायत रहती है, यानी घबराहट ज्यादा रहती है जिससे ज्यादा दुखी है, और कब्ज भी रहती है बहुत सालों से। तो अब ये मेरे पास आना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसको लगता है कि होम्योपैथिक दवाई से ज़्यादा आराम नहीं आएगा, इसलिए इसको इलाज किसी एलोपैथिक स्पेशलिस्ट से चल भी रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि एक तो इसकी पेंशन आती है, काफ़ी अच्छी पेंशन इसको मिलती है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है परिवार पे, और परिवार भी बहुत केयरिंग है इसका, तो इसलिए ये परिवार को प्रेशराइज करके बड़े डॉक्टरों के पास जाती है। मतलब परिवार वालों की इच्छा नहीं होती है कि इसको उन सब जगह दिखाया जाए, क्योंकि वो इसको बिल्कुल फिजूल खर्ची और गैर जरूरी समझते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पास यानी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास जाने से दुनिया का सबसे अच्छा इलाज मिलता है। तो ये उनको मालूम है अनुभव के द्वारा, तो इसलिए वो उसको मेरे पास लाना चाहते हैं, जबकि ये मुझे होम्योपैथ होने के कारण एक मामूली सा डॉक्टर समझकर मेरे पास नहीं आना चाहती है, इसलिए बड़े स्पेशलिस्ट के पास इसका इलाज चल रहा है। परंतु इसकी जो घबराहट की समस्या है धीरे धीरे बढ़ रही है इन सब इलाज के दौरान भी। तो अब इसका पूरा परिवार, क्योंकि मुझसे ट्रीटमेंट लेता है, तो इसकी बहू, तो वो भी काफ़ी उम्र की हो गई है, लगभग 45-46 की, तो वो इसको बहुत ही समझाती बुझाती रहती है कि तुम डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से दवाई ले लो माता जी, आप ठीक हो जाओगी, पर ये सुनती नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको परशु करने के बाद, कई महीने तक इसको समझाने बुझाने के बाद, फिर ये मेरे से इलाज कराने के लिए मजबूरी में तैयार हुई है, क्योंकि इसको लगे कि बहू इतनी से जान छुड़ाई जा सके कि चलो वहाँ से भी ले लेते हैं। तो ये जब मेरे क्लिनिक में इसकी बहू लाई है इसको पकड़ के, काफ़ी कमज़ोर है ये, तो ये ऐसे ऐसे करके सारे क्लिनिक को ऐसे निहार रही है कि जैसे ये कहाँ आ गई है शायद, क्योंकि बहुत आलीशान क्लिनिक नहीं है मेरा, ठीक है नॉर्मल क्लिनिक है, तो इस ये उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। उसके लिए मेरे को ऐसे लगा कि मेरे क्लिनिक की जो एम्बियंस है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। एक तो पहले ही दिमाग में है कि होम्योपैथ के पास जा रही हूँ, बेकार डॉक्टर है, और दूसरा फिर बहुत बढ़िया एम्बियंस ना होने के कारण भी इसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन थे कि ये मैं कहाँ ले आई है बहू मेरी, यहाँ क्या होने वाला है, मतलब एक कठपुंजिया डॉक्टर समझती है ये होम्योपैथ को। तो बहू इसकी कहती है, मम्मी जी बताओ, मम्मी बताओ, डॉक्टर साहब को बताओ, आपका मन कैसा करता है, मन क्या क्या करने को करता है, मतलब घर में आप अकेली रह सकती हो क्या नहीं रह सकती हो। अब ये जब बहू कह रही है अकेली रह सकती हो नहीं रह सकती हो, इसका मतलब है कि घर वालों को इसने तंग कर रखा होगा कि मैं अकेली नहीं रहूँगी, कुछ ना कुछ तो है, तभी बहू ने अकेली की बात करी है। रोगी बोलना शुरू करती है, मन तो मेरा ये है कि अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं चली जाऊंगी, अब नहीं जीऊंगी, चली जाऊंगी,
तो इसका मतलब क्या होता है? अब मैं इससे पूछता हूं, चली जाऊं या चली जाऊंगी, दोनों बातों में अंतर होता है। एक तो चली जाऊं माने कि मैं अब मर जाऊं, जान छूटे। एक यह है कि चली जाऊंगी माने अब मेरी डेथ निश्चित है, जाना नहीं चाहती है पर जा रही। चली जाऊं, चली जाऊं का मतलब होता है कि इसको अब ये लग रहा है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, डिजायर्स डेथ जैसे होती है। तो मैं इससे बहू पूछती है, कहाँ चली जाऊं माता जी, कहाँ चली जाऊं? तो मैं उससे एक बात करता हूँ, आप ये बताओ आंटी जी कि आप चली जाऊं या अब मैं चली जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी, ऐसे कहना चाहते हो क्या आप? तो यहाँ पर रोगी के कहने का भाव है कि उसको ये लग रहा है जैसे उसको यहाँ पर रोगी के कहने का भाव है कि उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसके हालात अब बने हुए हैं, उन हालात में वो ज़्यादा दिन बचेगी नहीं, मर जाएगी। ये उसको ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसे लगा। जैसे अब रोगी कहती है, बताने लगती है, अकेली रह जाती हूँ, तो जब ये सब मुझे घर अकेला छोड़कर चले जाते हैं तो लगता है कि ऊपर से छलांग लगाकर मर जाऊं, ये सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, कुछ खाकर मर जाऊं, यानी अब ये आत्महत्या करने की बात सोच रही है। खाकर मर जाऊं का मतलब कोई पॉइजन वाइजन खा लूं और डेथ हो जाए मेरी। तो एक किस्म के हो गया कि इसका सुसाइडल डिस्पोजिशन आ गया है। क्यों आया है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस बाय, जैसे क्योंकि अब बीमारी से तो छुटकारा मिल नहीं रहा है, उसको घबराहट भी बहुत ज़्यादा है, बेचैनी ज़्यादा है, कब्ज ज़्यादा है, तो इन सबसे छुटकारा पाने, इन बीमारियों से वो बहुत ही निराशा की स्थिति में आ गई है। इसलिए इस निराशा की स्थिति से बचने के लिए वो उसको लग रहा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ, यानी ऊपर से कूद के मर जाऊँ या कुछ पॉइजन खाकर मर जाऊँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आप आत्महत्या करना चाहती हो? हाँ 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 हाँ, करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों आत्महत्या क्यों करना चाहती हो आप? घर घर सब खराब लगता है, घर सब खराब लगता है। तो खराब लगने का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, घर खराब क्या लगता है? मेरा मतलब आप क्या कहना चाहते हो, घर में क्या अच्छा नहीं लगता है? घर अच्छा नहीं लगता या घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं? घर 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 अच्छा नहीं लगता। तो घर में क्या है भाई, घर क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घर का जो साफ सफाई, एम्बियंस, ये वो लोकेशन वगैरह, वो इसको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो इसका अब इसने बिल्कुल साफ क्लियर कट कैलकुलेट करके जवाब दिया कि घर अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि इसका माइंड शार्पली चल रहा है। तो इसका अगर हम रूब्रिक बनाएंगे तो वो होगा क्लियरनेस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड, क्योंकि यहाँ उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है दिमाग में, उसको पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट मालूम है कि उसको घर वाले नहीं बल्कि घर अच्छा नहीं लगता है। तो और इसने बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भी दी है पूछते ही कि क्या अच्छा नहीं लगता, तो उसने कहा घर। तो इससे तीव्र प्रतिक्रिया से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इसको इसका दिमाग काम कर रहा है, पर ऐसा कोई भी रूब्रिक हमारी रिपर्टरी में दिया हुआ नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड बिल्कुल शार्प है इसका, मतलब कंफ्यूजन में नहीं है ये। क्यों भाई, क्यों क्यों डॉक्टर, घर में क्या होता है? क्या घर में आपको कोई गंदगी दिखती है? फिर बोलना शुरू करती है रोगी, नहीं नहीं मतलब घर में ये माता जी का फोटो है, इनसे मैं प्रार्थना करती हूँ, पर माताजी भी मेरे लिए कुछ नहीं करती हैं। तो अब ये माताजी की बात कर रही है कि माताजी से प्रार्थना करती हूँ, तो ये माताजी, श्री माताजी निर्मला देवी के चित्र को कह रही है, क्योंकि इसकी बहू और इसका पूरा परिवार सहज योगी है और श्री माताजी निर्मला देवी की पूजा करते हैं। तो वो रोगी भी कभी कभी करती थी पहले, तो वो कह रही है कि मैं माताजी से प्रार्थना करती हूँ अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए, पर माताजी भी कुछ नहीं करती हैं, यानी माताजी भी मेरी कोई मदद नहीं करती हैं, मेरी प्रार्थना सुनती नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा चिड़ी हुई है, यानी वो ये कहना चाहती है ना तो घर वाले मेरी सुन रहे हैं और ना ही माताजी मेरी सुन रही है, तो इसलिए भी आत्महत्या करना चाहती है। यहाँ पर उसको जैसे कोई खुशी नजर ही नहीं आ रही है,
इसलिए आत्महत्या करना चाह रही है, यानी सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम सैडनेस। उदास होगी ना, उदास तब होता है जब उसकी जिंदगी में कोई खुशी वुशी नहीं हो। तो वहाँ दो चैप्टर इसके सामने खुले हुए हैं, एक तो परिवार वाले जो उसको मदद कर सकते हैं इस बुढ़ापे में, वो इसकी सुन ही नहीं रहे हैं, और दूसरा परमात्मा जिनको जो श्री माता जी के रूप में है, तो वो भी इसकी नहीं सुन रही है। तो कहीं पर भी इसको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है। जब सुनवाई नहीं हो रही तो आराम भी नहीं आएगा, इसलिए अच्छा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ, मर ही जाऊँ, कुछ खा लूँ या कूद जाऊँ ऊपर से। तो मैं इससे पूछता हूँ, क्योंकि माता जी को मानती नहीं है ये श्री माता जी निर्मला देवी की पूजा नहीं करते, ये अपने देवी देवताओं की करती है। तो जब ये देवी देवताओं की पूजा करती है तो ये अपने देवी देवताओं से क्यों नहीं मांग रही है, जबकि वो बहू श्री माता जी निर्मला देवी की पूजा करती है, ये उनसे क्यों मांग रही है? तो ये एक एक्सट्रीम, इससे आप अंदाजा लगाते हो कि ये एक्सट्रीम सेल्फिशनेस है। उसको जहां से उसका काम बने, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जहां से उसका काम बने वहीं अपना काम बना लो, बाय हुक एंड क्रुक उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, ये एटीट्यूड है इसका। तो जो भी वार्तालाप अभी तक हुआ एक डेढ़ मिनट का, उसमें रोगी बहुत ही दुखी और परेशान सी लग रही है मुझको, और बहुत ही धीमी आवाज में बोल रही है, क्योंकि एज है, कमजोरी ज्यादा है, कि जैसे तो वो थकी हुई और निराशा से बिल्कुल भरी हुई हो। तो निराशा से भरी हुई का मतलब हुआ जैसे बिल्कुल उसके जिंदगी में कोई आशा और खुशी नहीं है। इसको हमारे रिपोर्टरी में दर्शाया गया है डेस्पेयर, यानी जहां कहीं भी उसको ऐसा नहीं लग रहा पॉजिटिव कि कहीं से कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये तब होता है, डिस्पेयर ऑल ऑफ सडन नहीं आती है, कुछ बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स होने के बाद, असफलताओं के बाद निराशा आने को डेस्पेयर कहते हैं। अब ये जिसे ऐसे जैसे इसका जो जेस्चर है ऐसे, तो ये दिखाता है कि ये बहुत ही दुखी और कंफ्यूज्ड है एकदम। जैसे उस टाइम जवाब दिया था तब बिल्कुल क्लियर माइंड था, पर उसके चेहरे से नहीं लग रहा कि वो बहुत शार्प माइंड की है, मतलब अभी शार्प माइंड है। तो ये एंग्विश लिया हमने इसको कि बहुत ज्यादा हालात से दुखी है वो। एंग्विश का मतलब होता है बहुत तीव्र पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हो, अंदर दिल की गहराइयों तक दुख महसूस होता है, उसको हम एंग्विश बोलते हैं। तो रोगी बताती है कि वो क्या प्रार्थना करती है, यही प्रार्थना करती हूं कि माता जी मुझ पर दया करो, मुझे निर्विचार करो, यानी मेरे विचारों को शांत कर दो। ये सहज योगियों के द्वारा की गई प्रार्थना होती है श्री माता जी से, ताकि अगर उनके विचार शांत हो जाएंगे तो फिर उनका योग ईश्वर की शक्ति से हो जाएगा। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कभी भी विचार शांत नहीं होते हैं, या तो वो भूतकाल की बातें सोचता रहता है जो बीत गया समय, या वो आगे आने वाले समय के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। तो इसीलिए वो उसका दिमाग कभी भी शांत नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हर इंसान के साथ, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसे ही बनाया हुआ है। तो लेकिन इस स्थिति में, ये मानव की स्थिति है, तो परंतु इस स्थिति में उसका ईश्वर से कोई संबंध होता नहीं है, तो इसीलिए कभी भी किसी भी मनुष्य की कोई भी प्रार्थना परमात्मा तक जाती नहीं है। तो इसलिए एक नई अवस्था होती है कुंडलिनी जागृति की, जब कुंडलिनी बीच की नाड़ी से, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ती है, और जब इस पॉइंट पे, यानी आज्ञा चक्र या जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं उस पॉइंट पे आती है कुंडलिनी शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, तो ये द्वार थोड़ा खुलता है, यानी पास्ट और फ्यूचर के बीच में गैप आ जाता है, उसमें से उस अवस्था में विचार शांत हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रार्थना कर रही है कि मुझको निर्विचार कर दो ताकि मैं शांत हो जाऊं। इसको कोई ईश्वर मिलन की कोई इसमें इच्छा नहीं है, पर अपने मतलब से ये प्रार्थना कर रही है। तो क्यों? क्योंकि विचार शांत हो जाएंगे तो मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी। फिर मैं और प्रार्थना करती हूं, माता जी मुझको ठीक रखो ताकि मैं दुनिया में दान पुण्य कर सकूं। तो अब दान पुण्य क्यों करना चाहते हैं, मैं उससे पूछता हूं, मतलब आप दान पुण्य करना चाहते हो,
करना नहीं चाहती, करती भी हूँ दान पुण्य बहुत सारा। मतलब यह है कि मैं सिर्फ ये नहीं कि अभी करना चाह रही हूँ, पहले से भी दान पुण्य करती हूँ। तो आप अब जब इतना जोर दे के ये कह रही है कि मैं दान पुण्य करना चाहती हूँ, और उससे पहले इसने कहा कि मैं ये रखती हूँ, तो दो रूब्रिक हमने इसके बनाए, एक फियर ऑफ सफरिंग, ये इंडस्ट्रियस एटीट्यूड होता है, क्या कि दान इंडस्ट्रियस की भावना है, क्योंकि वो दान पुण्य का जो भी कुछ करना चाह रही है वो इसलिए करना चाह रही है ताकि उसको परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। तो जब इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें कुछ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि वो उसका आउटपुट निकले यानी प्रोडक्ट बने, तो उस प्रोडक्ट्स को बेच के हम लाभ उठाते हैं या कहीं यूज करते हैं। तो इसी तरह ये जो दान पुण्य करना है ये उसके लिए काम हो गया, जो दान पुण्य करेगी तो ईश्वर उसके फल स्वरूप उसको सुख शांति देंगे, तो ये इसका सुख शांति इसका प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए इसको हमने लिया है। और ये क्यों कर रही है, अपनी परेशानियों से बचने के लिए। तो इसके बेसिकली बेस में सफरिंग की भावना है कि मुझको कष्ट ना उठाने पड़े, इसलिए मैं दान करूं। तो ये एक ऐसा हुआ, मतलब दान पुण्य दान करने की भावना से नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ पाने की भावना से किया जा रहा है। पाना क्या है, परेशानियों से छुटकारा, क्योंकि वो परेशानियों को झेलना नहीं चाहते। तो दो रूब्रिक इसमें बनते हैं, एक फियर ऑफ सफरिंग्स और दूसरा इंडस्ट्रियस। तो इसमें दान पुण्य को लेकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़ी जेनरस हो गई है, बल्कि हर जेस्चर हर वर्ड में रोगी की हमको फीलिंग्स समझनी होती हैं कि वो कहना क्या चाहती है, चाहे वो बोल कुछ रही हो, इशारे कुछ भी कर रही हो, उससे हम लोग समझ ही जाते हैं कि आखिर रोगी क्या कहना चाहता है। और एक और रूब्रिक लिया इसका बूस्टर, ब्रेगार्ड। क्यों बूस्टर, दान पुण्य करती भी हूं, करना नहीं चाहती है, दान पुण्य करती भी हूं, तो करती हूं का मतलब है कि ऐसा ही नहीं खाली पेली में बोल नहीं रही हूं, बल्कि कर भी रही हूं, यानी अपने आप को एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा दिखा रही है कि मैं कुछ करती हूं। तो अपने वो कार्य को, अपनी क्षमता को एकदम से बढ़ा चढ़ाकर बताना, इसको बूस्टर कहते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े। तो इसलिए ये कह रही है कि करती भी हूं। अच्छा अच्छा, तो मैं इससे पूछता हूं कि आप दान पुण्य क्यों करती हो, तो हमें अपनी मर्जी से कोई भी फैसले नहीं लेने होते हैं कि इसलिए करता होगा आदमी, इसलिए कर रहा है, इसका ये मतलब है, बल्कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसको मरीज से क्वेश्चनिंग करके हमको पूरा कन्फर्म करना होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही क्या मरीज भी सोच रहा है, वही बात कहना चाहता है, दोनों टैली होते हैं, तब उसको रूबरी क्या उसको जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाए फिर उसके साथ। रोगी बोलती है, अपने कल्याण के लिए करती हूं, शरीर ना दुख पाए। शरीर ना दुख पाए का मतलब है कि उसको परेशानियां ना हो, कि जब तक वो जिए और जब वो मरने का समय आए तब तक उसको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए वो दान पुण्य कर रही है। तो आपको समझ आया, तो फियर ऑफ सफरिंग हो गया और इंडस्ट्री से हो गया, और तकलीफों से अभी भी तकलीफ में है तो ये एंग्विश हो गया। तो एक ही छोटे से शब्द में, छोटे से वाक्य में कई कई रूब्रिक छुपे होते हैं जो कि उस मेडिसिन की पूरी पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमें बड़े ध्यान से चलना होता है। तो मैं उससे आगे पूछता हूं, तो क्या उस दान पुण्य से आपको कुछ फायदा हो रहा है या आगे होगा? इन दिनों तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये मैं इतना दान पुण्य कर रही हूं उसका कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा मेरा, मतलब आजकल तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मेरे लिए तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, यानी दान पुण्य का भी कोई फ्रूट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता हूं, अच्छा अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि आजकल तो आपको ज्यादा ही परेशानियां हो रही हैं, तो क्या इसलिए आपको लगता है कि मैं बचूंगी नहीं बल्कि मर जाऊंगी? रोगी अपनी बात को इस बात को तो बिल्कुल जैसे ऐसा दिखाती है जैसे उसने मेरी बात सुनी नहीं है, क्योंकि इसका वो जवाब नहीं देती, बल्कि कोई नई कहानी शुरू कर देती है वो।
आजकल मुझे कोई बताता नहीं है, इसलिए मुझको अच्छा नहीं लगता। यानी घर में क्या चल रहा है कोई इसको बताता नहीं है, तो तरह तरह की शक्लें बना रही है। जैसे तो एक हाल आते ही उसके मन में चिड़चिड़ाहट और परिवार के लिए कड़वाहट भर गई कि भैया मेरी सुनते ही नहीं है, मुझे तो अपनी पड़ी रहती है। अपनी पड़ी रहती है कि मतलब इधर मैं मर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, ना मेरे घर वाले सुनते हैं, ये तो अपनी उसमें ही लगे हुए हैं। तो ये इसको हमने रूब्रिक बनाया इसका, एंगर आफ्टर टेकिंग कोल्ड। इसको भी हम यही समझ लेते हैं रूब्रिक को, बजाय हम केस के बाद में समझें। तो ये गुस्सा, एंगर तो आप लोग समझते हैं, गुस्सा आता है यानी कुछ कोई भी जब हम चीज को देखते हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो फिर हम रिएक्ट करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग गुस्सा बोलते हैं, एंगर बोलते हैं। कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा, एक कोल्ड हुआ, एक चिल्ड हुआ। तो ये कोल्ड माने क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो उसमें अगर कोई आपका वेलकम करता है तो उसके जेस्चर्स बड़े, आओ आइए 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 गुप्ता जी, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, ऐसे हाथ मिलाते हैं तो हाँ ओ यस यस, इस तरह से गर्म जोशी से। या जैसे कोई बुजुर्ग है घर में, उसने आवाज लगे, बेटा हाँ 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 माता जी आया आया, मम्मी हाँ बताओ क्या कह रही माँ, तो ये उसमें केयरिंग हुआ, एक गर्म जोशी हुई जो सामने वाले हैं उन लोगों के लिए, तो उसको वार्मथ ऑफ लव या वार्मथ ऑफ अफेक्शन बोलते हैं। पर कोल्ड माने उसने आवाज लगा रही, बेटा सुनियो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अच्छा आ रहा हूँ, अच्छा क्या क्या कह रही हो। तो यानी उसने जो बेटे के लिए आवाज लगाई, अब उसमें वो तीव्रता नहीं रही कि माँ को जरूरत पड़ी है तो मैं जल्दी से जोड़ लेके जाऊं। तो इसको कहते हैं कोल्ड एटीट्यूड, घर वालों का ठंडा एटीट्यूड। उसके लिए वो जोशीला एटीट्यूड नहीं है कि मेरी माँ को कुछ जरूरत पड़ी तो मैं दौड़ के जाऊं और देखूं क्या हुआ, क्या जरूरत है, क्या चाहती है मेरी माँ। तो वो तो हुआ वार्म और वार्मथ एटीट्यूड, जोश और भावनाओं के जोश में भरा हुआ। पर ये कोल्ड है, हाँ चलो हाँ माँ क्या क्या कह रही है, अच्छा चल आता हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी आ जाऊंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद बताइयो। तो ये सब क्या है, कोल्ड है, कोल्ड आफ्टर टेकिंग कोल्ड। तो मतलब जब घर वाले उसको बिल्कुल इस कोल्ड एटीट्यूड से लेते हैं तो इसको और गुस्सा चढ़ता है। अब गुस्सा क्यों चढ़ेगा, क्योंकि गुस्सा तब हमको चढ़ता है जब चीजें हमारी इच्छा के विरुद्ध जाती हैं। अगर सब हमारी कमांड सुनते रहें, जैसा हम चाहते हैं वैसा करते रहें, तो लोग नॉर्मली गुस्सा नहीं करते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। पर हमारे विरोध में जाने पर हमको गुस्सा आता है। लोग हमेशा कहते हैं कि जब कोई गलत बात करता है तो उसको गुस्सा आता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि असली बात करे सही बात करे फिर भी तुम्हें गुस्सा है तो तुम्हारा दिमाग पागलपन है। तो इसलिए वो अलग चीज़ हुई इस, और ये कोल्ड लेना यानी उसको उतना महत्व ना देना जितना वो उम्मीद कर रही है, तो इसको गुस्सा चढ़ता है। तो यहाँ भी घर वाले यही कर रहे हैं कि वो बुलाती रहती है, लोग आते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इसको चिड़चिड़ाहट आती है। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं इसके परिवार को जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी केयर करते हैं, इसकी पेंशन भी आती है, 72 साल की हो चुकी है, फिर भी इसका बेटा इसको खर्चे के लिए पैसे देता है। जबकि खर्चा तो ये कुछ करेगी नहीं, जो भी करेंगे घर वाले ही लाके देंगे इसको। तो वो अपने ये सारे पैसे अपने पास रखती रहती है, अपनी पेंशन के भी, और जो बेटा हर महीने इसको माँ के लिए जेब खर्ची का देता है। तो इससे जेब खर्ची वो क्यों देता है, ताकि माँ को एक हिम्मत बंधी रहे कि मैं मेरे पास पैसा है, इसलिए इतनी केयर वो करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसकी बात को सुनेंगे नहीं। अच्छा अच्छा मैं आगे पूछता हूँ इससे, मतलब आपको किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, नहीं मेरे को लगा कि इसको आवाज अच्छी नहीं लगती है। अरे मैं तो खुद ही कितने परेशान हूं, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मुझे तो अपनी ही परेशानी की पड़ी है, और ये लोग अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं। नेतागिरी का मतलब है कि घर वाले सब अपने से जो भी उनका काम है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई फोन पर लगा हुआ है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरी कोई देखता ही नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो इससे वो चिढ़ रही है जब उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक एक ही भावना में छोटे से सेंटेंस में
बनते हैं जिनको थोड़ा हम समझते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो सेंसिटिव टू पेन है, ये बात उसको बड़ी तकलीफ पहुंचाती है कि उसके घर वाले उसकी सुन नहीं रहे हैं, ये ईगो का लक्षण है। नहीं तो उसको समझ आ जानी चाहिए, 72 साल की महिला है, उसको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, खाना पीना केयर जो चाहती है उसको मिल ही जाता है। तो वो चाहती है कि हुक्म चलाना, कि जो मैंने कहा वो तुरंत हाथ जोड़ के आ जाए। तो ये उसको पेनफुल स्थिति है उसके लोगों का ना सुनना। तो ये हो गया एंगर, सेंसिटिव टू पेन। सेंसिटिव टू पेन बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, तो वो उस गुस्से से उस दर्द के कारण एक पागल सा चिड़चिड़ी हो जाती है, यानी उसको समझ ही नहीं आती कि मुझको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे सुन लेंगे, 2 मिनट बाद दे जाएंगे चीज मुझको। जेलसी स्ट्राइक हिज वाइफ ड्राइव्स टू ड्राइविंग, अगला रूब्रिक है जेलसी ड्राइविंग टू स्ट्राइक हिज वाइफ, यानी उसको इतनी जलन हो रही है कि वो अपनी पत्नी को मारने को दौड़ता है। अब इसमें पत्नी कहां से आ गई बीच में, जेलसी कहां से आ गई, यानी वो जेलसी का मतलब होता है, जेलसी हम तभी करते हैं कि जब दूसरे वाले के पास कुछ चीज होती है जो आपके पास नहीं होती है या आपके पास कम होती है, इसलिए उसकी जो पावर है, उसके पास जो चीज है जिसको वो एंजॉय कर रहा होता है, उसको देख के हमारे को बड़ा बुरा लग रहा होता है, खुंदकारी होती है, चिड़ा रही होती है, लगता है इसको मार दूं, इसको नष्ट कर दूं, इसको भी दुख पहुंचा दूं। तो ये जेलसी के लक्षण होते हैं। तो अब दूसरे इस भावना के कारण वो उसको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन यहां वाइफ है, तो वाइफ का मतलब हुआ पत्नी, यानी ऐसे पत्नी से उम्मीद की जाती है चाहे सोसाइटी के किसी भी लेवल पे हो कि वो आपके साथ है, बॉन्डेड है आपके साथ, बॉन्ड है उसका कि वो आपकी देखभाल करेगी ही। तो पत्नी का मतलब, वाइफ का मतलब यहां मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा इंसान जो दूसरे पार्टनर जो भी है उसके साथ बुरी तरह से जुड़ा हुआ है और वो उसकी सेवा उसकी करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य है, यानी उसका फर्ज है। जैसे एक पत्नी है, अगर वो पति उसका इस तरह का बंदा है कि वो उसकी सेवा करे, यानी पत्नी ये उम्मीद करती है कि मेरी हर बात माने, सेवा करे, मैं अभी इसको कहूँ कि चाय बना ला तो चाय बना लाए वगैरह, यानी उनसे कभी भी डिस ओबीडियंस की कल्पना नहीं करे, तो उसको वाइफ कहा जाता है। ये उस सेंस में लिया गया है वाइफ को, एक सर्विंग पार्टनर समझ लीजिए आप इसको, फुल्ली डेडिकेटेड सर्विंग पार्टनर को वाइफ कहा गया। तो यहां इसके जो घर वाले हैं ये उम्मीद कर रही है कि ये फुल्ली मुझको सर्व करें, ये इनका काम है, इनकी इनका फर्ज है, पर वो ऐसा करते नहीं, तो इसलिए इनको लगता है कि मैं उसको उन घर वालों के से चिढ़ती आई और उनको और खुशी देख के कि कहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो कह रही है नेतागिरी कर रहे हैं। तो नेतागिरी तो नहीं कर रहे वो, लेकिन अपने में मस्त हैं, इसको जितनी केयर इसको चाहिए उतनी करते हैं। तो इसलिए हमने ये रूब्रिक वाइफ वाला इसमें लिया है, मतलब ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। एक और रूब्रिक है एनवी एंड हेट। एनवी क्या हुआ, एनवी ये हुआ कि वो मजे कर रहे हैं और मैं यहां पर दुखी हो रही हूं, तो ये मैं भी मजे करना चाहती हूं, इसलिए घर वालों से चिढ़ती है, कोई नहीं है, मर जाऊं, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, ये सारे मिले जुले भावना रख रहे हैं इसके अंदर। तो मैं इससे पूछता हूं, अच्छा इसका मतलब है कि आपको चुप, अब ये सब बात जो होती है समझ तो आ रही होती है हमको, पर कुछ भी इधर उधर के सवाल करते हैं, कुछ इररिलेवेंट सा लगे सवाल, तो ऐसा सवाल इसलिए किया जाता है ताकि मरीज अपनी सही भावना को दिखा सके। तो ये मैं इससे पूछता हूं, तो मतलब आपको चुप रहना अच्छा लगता है, नहीं नहीं मैं कहती हूं कि मुझे किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ। तो ये क्यों दिखाओ बड़े से बड़े डॉक्टर को, एक तो बूस्टर कि मैं बड़े डॉक्टर के पास जा रही हूं ताकि मुझे अच्छा इलाज मिले, दूसरा यह है कि बड़े डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो वहां आराम आने की लगभग गारंटी होती है, कि वहां ज्यादा आराम आने के चांस होते हैं, तो ये आराम पाना चाहती है। तो इसको कहते हैं लाइट डिजायर फॉर, यानी इसको वहां से कुछ पाने की उम्मीद है, तो उम्मीद के हिसाब से आपको मिलता है तो आप थोड़ा रिलीव्ड महसूस करते हो, आपका बोझा हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, दुख कम हो जाता है।
तो उस कम होने को लाइट कहते हैं। लाइट माने हल्का होना, कष्ट कम हो जाना। तो ये कब होगा, जब आप बड़े डॉक्टर को दिखाओगे ऐसा इसको लगता है। तो इसलिए इसको रूब्रिक लिया जाता है लाइट डिजायर फॉर। अच्छा, मतलब मैं पूछता कि मैं बात करता हूं उससे, मतलब आप चाहती हैं कि आपको किसी अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाया जाए जबकि ये लोग अपने में ही मस्त हैं, आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये कहना चाहती हो कि माता जी? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये घर वाले उसके ध्यान नहीं दे रहे। एक और रूब्रिक ले सकते हैं हम लोग, फोर सेकंड फीलिंग बिलव्ड बाई हिज पेरेंट्स वाइफ फ्रेंड्स। तो फील्स ऑफ नॉट बीइंग बिलव्ड बाई हिज पेरेंट्स वाइफ एंड फ्रेंड्स, मतलब उसके वाइफ है, उसके फ्रेंड हैं, उसके घर वाले हैं, तो उसको उतना प्यार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे तो उन्होंने उसको त्याग ही दिया है। क्योंकि ये सब फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए जबकि ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, उसको लाइट ले लेते हैं। अब एक और, अब दूसरा कहती है अब बार बार लेटरिन जाओ, बार बार लेटरिन जाओ, पर आती नहीं है। इसका मतलब है कि उसको दो चार बार लेटरिन जाने से जो असुविधा या तकलीफ हो रही है उससे चिढ़ रही है, दुखी हो रही है। ये मतलब उसका बोलने का अंदाज है कि जैसे वो दुखी हो रही है। तो इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग हेडेक। हेडेक कहाँ से आ गया स्टूल में? अब ये हमारा सिस्टम बड़ा अजीब सा है, अजीब सा नहीं है बल्कि ये सही सिस्टम है। अब आप खुद देखें हेडेक क्यों कहते हैं हम लोग, हेडेक माने ये सर दर्द। तो यहाँ से अब आप प्लान करते हो, सोचते हो कि ये काम मैं ऐसे कर लूँ, तो आप उसको ऐसे करते हो, पर वो आपके पास सोल्यूशन निकलता नहीं है उसका, तो फिर आप दूसरे ढंग से सोचते हो, फिर नहीं निकलता सोल्यूशन, तीसरे ढंग से सोचते हो फिर सोल्यूशन नहीं निकलता, तो आप क्या करते हो, ये तो मेरे लिए सर दर्द बन गया। तो यानी एफर्ट करने के बाद भी जब आपको डिजायर नहीं मिलता है और आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे इस समस्या का समाधान करूं, तो वो सरदर्द कहलाता है। सरदर्द का सिर्फ वो सरदर्द नहीं, वो तो एक फिजिकल डिसऑर्डर है ही, तो सूक्ष्म लेवल पे उसको सरदर्द कहेंगे जो आपके दिमागी कैपेसिटी के द्वारा भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको हमने लिया है इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग हेडेक। अब इसकी बहू बताती है तो क्या कहती है, मम्मी को ना कब्ज भी बहुत ज़्यादा रहती है, इसको लिए कोई जो है ना, ये मम्मी हमारा कोई देसी चूर्ण खाती हैं और तो उससे एकदम इनको खुलकर लैट्रिन आती है। मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी का पेट कमज़ोर हो गया है, तो मैं उससे कुछ पूछता हूँ, पर मुझको ऐसे लग रहा है, मतलब मैं मरीज से बोलता हूँ कि माताई मुझको तो ऐसे लग रहा है, मेरे को जो समझ आई है माताई बात, कि आप तकलीफों से परेशान हो रही हो। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिया है एक तो एंग्विश और एक एंग्विश ड्यूरिंग हीट विद एंग्विश। उन तकलीफों से आप छुटकारा चाहती हो, असली बात तो यही है, आपको मरने की इच्छा नहीं है पर आप सुख से जीना चाहती हो। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तो जैसे तो उसको मेरी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता हुई तो उसको एक शांति मिली ना, कलेजा ठंडा हो गया कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात को समझ लिया है, जो वो चाह रही थी वो उसको मिल गया, तो रिलीव्ड फील हुआ। तो इसको कहते हैं हम लोग लाइट डिजायर फॉर, यानी वो हल्का होना चाहती है, दुखों के बोझ से मुक्त होना चाहती है, मरना नहीं चाहती, पर वो कह रही है चेड़े में कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि मर जाऊंगी, मरना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। अब वो आगे बोलना शुरू करती है रोगी, अब घर में शादी है, शादी किसकी है, इसके पोते की शादी होने वाली है आगे दो तीन महीने के बाद ही, उसकी बात कर रही है, पर मुझे ना कोई शौक है, ना कोई दुख है, ना खुशी है, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो ना बाढ़ में जाए। तो अपने जो हाथ के और चेहरे के भाव कर रहे हैं, यानी एक दादी के लिए एक पोते की शादी होना एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, उसके सबसे ज़्यादा माँ से भी ज़्यादा दादा दादी खुश होते हैं जब पोते की शादी होती है,
पर ये कह रही है कि हो ना मुझे क्या लेना देना। तो यानी कह रही है कि मतलब इसको लग रहा है कि तो ये लोग भाड़ में जाएं, हो ठीक है यहाँ मैं मर रही हूँ, इनको शादी की पड़ी है, जबकि शादी तो होना बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इसको हमने रूब्रिक लिया है अवर्जन टू फैमिली मेंबर्स। मतलब अब मैं इसको कहता हूँ, मतलब आप अपनी बीमारी से काफी ज्यादा दुखी हो, मतलब एंग्विश्ड हो। हाँ हाँ अच्छा, तो आप दवाई भी खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते हो मुझे ये बताओ, क्योंकि वो तो बहू लेके आई है इसको, तो मेरे पास दवाई तो मैं खाना चाहती हूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊं। ठीक हो जाऊं का मतलब लाइट डिजायर फॉर, यानी उसकी परेशानियां कम हो जाएं, हल्की हो जाएं, इसको लाइट कहते हैं। तो जब ये बोल रही है कि मैं ठीक हो जाऊं, तो चेहरे पर भी एक खुशी की चमक इसको आ गई है। तो वो लाइट आपको चेहरे पर दिखती है, जब आप दुखों से छुटकारा पाते हो तो आपके चेहरे में ग्लो आता है, तो वही लाइट होता है। अच्छा, तो आप इस कोशिश में लगी हो कि आप ठीक हो जाओ, मुझे किस तरह से आराम आ जाए, चैन आ जाए। हाँ, मैं चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, मुझको नींद आ जाए, फिर लाइट डिजायर हैं सारे रूब्रिक। मतलब आप नींद चाहती हो रोगी, नींद तो आती रहती है, आती रहती है का मतलब जैसे ये सारा दिन सोती रहती है। तो यहाँ थोड़ा रुक कर बोलती है जैसे इसको कोई बात याद आ गई हो। अब मैं रात में 4-5 बजे के पास उठ जाती हूँ, लैट्रिन जाती हूँ, पानी पीती हूँ, लैट्रिन नहीं आती, फिर पानी पीती हूँ, फिर लैट्रिन जाती हूँ, फिर नहीं आती। यानी ये सारे इतने सारे एफर्ट इसको सुबह सुबह करने पड़ते हैं लैट्रिन जाने के लिए, क्योंकि लैट्रिन आएगी तो रिलीव्ड होगी, फिर लाइट डिजायर फॉर हुआ। अच्छा, तो आपको कब्ज रहती है काफ़ी देर, फिर शांत हो जाती है जैसे तो कहीं ख्यालों में खो गई हो, और फिर धीरे से बोलती है, अपनी उंगली के इशारे से बताती है, एक फुलका खाती हूँ, बस एक खाती हूँ मैं। तो इसका मतलब कितना जोर देना चाह रही है ये बहू इसकी। तो बहू ये सब देख ही रही है, पास ही बैठी है। तो बहू उसके बाद कहती है, मम्मी कल आपने तो 2 फुलके खाए थे। रोगी थोड़ा सोच के बोलती है, मुझको कुछ याद नहीं आ रहा। अब ये कितनी मक्कारी कर रही है, एक तरफ एक फुलका खाना तो इसको याद है, पर कल 2 खाए थे ये याद नहीं है, क्योंकि बहू ने तो कन्फर्म कर दिया, बात काट देना, यानी पोल खुल गई। तो बहू, हाँ वो तो मैं कह रही हूं ना, कल तो आपने 2 फुलके खाए, शाम को भी खाए, आपने दाल रोटी भी बहुत अच्छे से खाई थी, आम भी खाया था, तो जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ तो आप खाती हो, यानी खाती है, खुराक इसकी पूरी है। तो डॉक्टर, तो क्या आपको लगता है कि दवाई से आपको थोड़ा सा चैन आ जाएगा? हाँ, उसकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है, जैसे उसको ये लगा है कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ आपको चैन आएगा। तो चैन के लिए आई है, वही मिल जाए तो खुशी होती है ना, तो इस खुशी को कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। ये तो नहीं लगता कि मैं बचूंगी नहीं? नहीं, ऐसे नहीं लगता। अभी सारा दिन हो गया, मैं परेशान हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, ठीक तो होती नहीं, तो इसलिए कह रही है कि ठीक होती नहीं है, बार बार बिना मतलब मैं जा रही हूँ, इसलिए नहीं जा रही थी। तो जो डॉक्टर इसको ठीक करेगा उसके पास तो दौड़ दौड़ के जाना चाहेगी। तो मतलब आप चिढ़ कर यह बात कह देती हो कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी? हाँ। तो मैं उसको पूछता हूँ, लेकिन अंदर आपके मन में इच्छा रहती है कि मैं ठीक हो जाऊं? हाँ, चमक आ जाती है, थोड़ी आवाज में तेजी आ जाती है, हाँ, मैं चाहती हूँ मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो ये लाइट डिजायर, लाइट सबसे ज्यादा है इस रूब्रिक में, लाइट पाने की इच्छा बहुत ज्यादा है, यानी अपने को हल्का करने की, दुखों के बोझ से मुक्ति पाने की इच्छा बहुत ही तीव्र है इसके अंदर। तो डॉक्टर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सही दवाई मिल गई तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, पर जब नहीं होता तो चिढ़ जाती है? मतलब आप ठीक होना चाहती हो, मरना नहीं चाहती हो, तो मैं बार बार कन्फर्म कर रहा हूं इससे। ऐसा नहीं कि तुक्के से कोई भी रूब्रिक ले लें और फिर कहें जी दवाई वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, तो फिर तो वेल सेलेक्टेड फेल हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो तो आपके हिसाब से वेल सेलेक्टेड है, एक्चुअल तो है नहीं, तो इसलिए वो फेल होती है। आप अगर वेल सेलेक्टेड होगी तो 100 में से 100 बार काम करना ही करना है, फेल होना ही नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी थ्योरी हमने बना रखी है, हमने का मतलब हनुमान साहब ने और बाकी जो
हमारे सीनियर्स रहे हैं कि रेमेडी वन फेल्स है, माइज में फलाना, ये सारी थ्योरी 100% गलत हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। होम्योपैथी में केवल एक ही सिद्धांत काम करता है, सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर, वो अटल सिद्धांत है, नेचुरल लॉ है। आप उस पर दवाई लगा दोगे तो दवाई को काम करना ही है, उसमें फिर कोई मैजम काम नहीं करता है, मतलब कोई मैजम की अहमियत नहीं है उसके अंदर, होता ही नहीं है, ऐसे समझिए आप। इस मायदम के चैप्टर को अगर आप भूल जाएंगे, बिल्कुल हमारे मॉर्गेनॉन वगैरह से सब तरफ से निकाल के फेंक देंगे, तो आप अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक ठीक कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। तो इसकी बहू बताती है, हाँ हाँ ये ठीक होना चाहती है, मरना नहीं चाहते ये, पर जब ठीक नहीं होती तो इनको लगता है कि मेरे मरने का समय आ गया, फिर ये चिढ़ती है। रोगी एकदम अच्छे से इशार के बताती है, मेरा मन करता है मैं यहाँ घूमाऊँ, मैं वहाँ घूमाऊँ, मैं वहाँ घूमाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ। तो मतलब यह है कि इसका सब तरफ जाने फिरने का, तो घूमने का मतलब क्या मतलब हुआ कि जा जा के खुशी मिलती है। तो ये लाइट डिजायर फॉर है, ये भी ये ट्रैवलिंग डिजायर फॉर नहीं है, जर्नी नहीं है, वांट्स टू ट्रैवल नहीं है, वांट्स टू वांडर नहीं है, बल्कि वहाँ जाके वो खुश होना चाहती है। तो पर मैं जाती नहीं हूँ, क्यों नहीं जाती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गिर गई तो कूल्हा टूट जाएगा, कूल्हा टूटने के मतलब है कि और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, तो इसलिए घर में शांति से बैठती है, दुखी होती है, तो इसलिए फियर ऑफ सफरिंग हुआ ये। मतलब तो आपको ऐसे लगता है कि कहीं मेरा परेशानी और ज़्यादा ना बढ़ जाए, हाँ हाँ हाँ, मतलब हर तरफ से आप परेशानियों से बचना चाहती हो। अच्छा ठीक है, चलो मेरे को आपकी बात समझ आ रही है, मैं अब आपको दवाई दे रहा हूँ और 2 दिन के बाद आप फिर आकर बताना कि आपकी तबीयत कैसी रही। नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। अरे आप माता जी, अगर आप आओगी नहीं तो फिर मैं आपका इलाज कैसे करूँगा। अरे बचूंगी तो आऊँगी ना, यानी वो कह रही है कि 2 दिन तक जिंदा रहूँगी तो आऊँगी, ये नहीं कह रही कि मैं आपसे इलाज नहीं कराना चाहती हूँ। तो मैं उसको तसल्ली देता हूँ, नहीं नहीं आप ज़रूर जिंदा रहोगी, मेरा मतलब है कि अभी आप नहीं मरोगी, मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी दवाई है, इससे आप निश्चित रूप से जिंदा रहोगी। तो इतना सारा वार्तालाप हुआ, ये वार्तालाप तो छोटा ही है पर आपकी रिकॉर्डिंग के समय ये लंबा हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में हमको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो आपको कुछ भी केस समझ नहीं आएगा, आप आगे केसेस को नहीं, इसको समझ के आप अगले पेशेंट पे, अपने पेशेंट पे लगा नहीं पाओगे। इसलिए इसको डिटेल में जितना पॉसिबल होता है, हम इसको पॉसिबल होता है यानी जितना बताना जरूरी हो समझते हम लोग उतना बताते हैं। तो ये कहना कि वीडियो आपके बड़े लंबे हो जाते हैं, तो अगर मैं आपको छोटा वीडियो बनाऊं और आपको समझ ही ना आए, आप फिर उसको अपने क्लिनिक पे लगा ही ना सको, तो मेरे वीडियो बनाने का और आपके वीडियो देखने का उपयोग ही क्या है। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इसको समझ सको। तो मेरा प्रयास तो ये होता है, आगे मैं करूँगा भी, कि एक ही रूब्रिक पे पूरे लेंथ ब्रेड हर तरफ हर एंगल से उसका वीडियो बनाऊं, ताकि आप उसको बहुत ही स्पष्ट, अभी तो जो कुछ मैं वीडियो बना रहा हूं ये बड़े ग्रॉस है, इनकी गहनता में मैं अभी तक बिल्कुल नहीं गया हूं, बहुत ही सुपरफिशियल आपको बना रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ 1-2 साल में जब समाज में ये सिस्टम थोड़ा सा आप समझने लगोगे तब मैं इसकी गहनता को टच करूँगा। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि जैसे मैं एक रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर की बार बार बात आपसे कर रहा हूं, पर इस लाइट शब्द को इतने ज्यादा एंगल्स में, इतनी ज्यादा परिस्थितियों में हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहां से आया है इतनी सूक्ष्मता, ये सब बताने के लिए कम से कम 1 घंटे का वीडियो चाहिए इस रूब्रिक को समझाने के लिए, ताकि आप हर एंगल पर लगा सको। पर अगर मैं इतना समझाऊंगा तो एक ही केस में हम 5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो वो फिर आपके लिए बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में रूब्रिक्स की व्याख्या करता रहता हूं। जब डिटेल में एक पर्टिकुलर रूब्रिक को लेकर चलूंगा वो काफ़ी समय लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, क्योंकि मैं पहले बेस बनाना चाह रहा हूं आपका, तो फिर आपको गहनता समझ आएगी होम्योपैथी की। जो अभी होम्योपैथी हम करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, क्लासिकल हो, मिक्स होम्योपैथी हो, या कुछ और दुनिया भर के लोग करते हैं,
वो होम्योपैथी की असलियत के नजदीक भी नहीं है। होम्योपैथी बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके काम करती है, और उसी सूक्ष्म लेवल पे समझना होता है आपको। वो तभी होगा जब आप खुद सूक्ष्म लेवल के होंगे। तो अभी मैं उस चैप्टर तक नहीं जाऊंगा, इसलिए ग्रॉस पे ही आप समझें और प्रैक्टिस में लगाएं। जब आपको पता लगेगा कि लगती है, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा और फिर आपके अंदर शायद सीखने की इच्छा भी बढ़े। तो उस वक्त मैं ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आप रूब्रिक पढ़ देता हूं जो भी मैंने लिखे हैं। ये सारे रूब्रिक समझने के लिए लिखे हैं। प्रिस्क्रिप्शन देते समय मैं इतना सारे रूब्रिक नहीं बनाता हूं, 1-2-3 रूब्रिक पर ही पूरी मेडिसिन देता हूं। तो पर क्योंकि उससे कुछ आपको लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत सारे रूब्रिक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जैसे डेथ, प्रेजेंटिमेंट ऑफ डेथ, जैसे कि यहां पर ऐसा महसूस कर रही है कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसको स्वयं को भी मरने की इच्छा है। दूसरा डेथ डिजायर्स फॉर, क्योंकि उसके जैसे मौत आ जाए तो अच्छा है, सब परेशानी से छुटकारा मिल जाए। तीसरा रूब्रिक हमने लिया सुसाइडल डिस्पोजिशन बाई हाइपोकॉन्ड्रियसिस, यानी अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो मरना चाहती है, कि उसको लग रहा है मेरे को हर किस्म की बीमारी है, ठीक होने रही है तो मर जाओ। एक और रूब्रिक लिया था हमने सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम सैडनेस, कहीं पर भी कोई खुशी नजर नहीं आती है इसलिए वो आत्महत्या कर लेना चाहती है। इनको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पीछे में थोड़ा थोड़ा समझा चुका हूँ। क्लियरनेस ऑफ माइंड अभी पीछे समझा चुका हूँ। एंग्विश, बहुत परेशानी की अवस्था है, उसको दुखी बहुत है। प्रेइंग, इस रूब्रिक के सामने हालांकि रिपर्टरी में कैल्केरिया कार्ब नहीं दी गई है, पर वो माता जी से प्रार्थना कर रही है। तो वैसे देखा जाए तो वो प्रार्थना तो कर रही है, पर प्रार्थना नहीं कर रही है, वो एक्चुअली एक इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्री कर रही है कि प्रार्थना करूंगा मुझको ये मिले। तो उसकी वो श्रद्धा, प्रार्थना जो की जाती है श्रद्धा से की जाती है। तो श्री माता जी के फोटो के लिए उसके दिल में श्रद्धा नहीं है, बल्कि वो उसको लग रहा है कि मैं ऐसे मां से प्रार्थना करूंगी तो मेरे लिए वो सुख शांति देंगी, निर्विचारता देंगी। तो वो एक एफर्ट हुआ, यानी एक इंडस्ट्री हुई कि मैंने ये काम किया और ये प्रोडक्ट मुझको मिल जाएगा। तो इसलिए वो प्रेइंग नहीं है, पर अपेरेंटली ऐसे हमको लगता है, उसके शब्दों ने भी कहा कि मैं माता जी से प्रार्थना करती हूं। तो इसलिए अपेरेंट रूब्रिक है, एक्चुअल रूब्रिक नहीं है। डेस्पेयर, बार बार निराश है। फियर ऑफ सब। बूस्टर ब्रेगार्ट, अपने के कार्य को, अपनी क्षमताओं को एकदम से बढ़ा चढ़ाकर बताती है ताकि सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़े। एंगर, टेकिंग कोल्ड आफ्टर। सेंसिटिव टू पेन, सेंसिटिव टू पेन बिसाइड्स वन सेल्फ फ्रॉम बीइंग। जेलसी, स्ट्राइक हिज वाइफ ड्राइविंग टू। एनवी एंड हेट, लाइट डिजायर फॉर। फोरसेकन फीलिंग, बिलव्ड बाई हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स, फील्स ऑफ नॉट बीइंग। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग हेडेक, एंग्विश ड्यूरिंग हीट, एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स, होपफुल एंड डलनेस, स्लगिशनेस, डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग। तो यहाँ ये रूब्रिक सारे हमने समझाने के लिए लिखे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लिखे हैं। प्रिस्क्रिप्शन जब हमने दिया था तो हमने केवल तीन रूब्रिक लिए, फियर ऑफ सफरिंग, लाइट डिजायर फॉर एंड इंडस्ट्रियस। तो इन सब के बाद से हमने रोगी को कैल्केरिया कार 30 की एक खुराक दी। 10 मिनट बाद फिर हमने उससे पूछा, क्योंकि दवाई देके हमने उसको वहीं बिठाए रखा, कि अब उसको क्या लग रहा है। तो उसने बताया कि अब उसको बड़ी शांति और अंदर से एक सुकून लग रहा है, एक चैन सा लग रहा है मुझको, मन अच्छा लग रहा है। और उसके बाद समय समय पर जैसे इसका केस चलता रहा, जब तक इसको इलाज हमने किया, तो इसकी 30 पोटेंशियम ने बहुत बार रिपीट की, क्योंकि एक बहुत ही फ्रेजाइल, यानी बहुत ही थकी थकी सी बूढ़ी महिला थी जो एक बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे थी। तो इसलिए बार बार दवाई दी गई, पोटेंशियम 200 भी आगे बढ़ाई गई। तो ये तीन रूब्रिक जो हमने लिए थे, इनको इन्हीं के बेस पे दवाई दी गई थी, तो बड़ा अच्छा परिणाम रहा। तो अब इसको कैल्केरिया कार्ब को जो ये केस है, इसके संदर्भ में मैं 2-4 लाइन आपको समझा देता हूं कि आखिर हमने ये क्या किया। तो कैल्केरिया जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि पहले भी एक दो केसेस में मैंने पहले भी बहुत कुछ बता चुका है, और इस केस में बीच में बता चुका हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा।
कैल्केरिया का रोगी अपने को ऐशो आराम में रखना चाहता है, जरा सी भी असुविधा, कष्ट, परेशानी, दर्द वगैरह उसको बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए जब जरा सी भी परेशानी का संकेत मिलता है उसको, स्टार्टिंग विद ए प्रिक ऑफ नीडल, तो ये एकदम से चौकन्ना हो जाता है, जैसे स्टार्टल्ड हो जाता है, और तुरंत ही उस परेशानी को दूर करने के लिए जो कुछ भी उचित कार्रवाई होती है उसको शुरू कर देता है। फिर ये खाली नहीं बैठ सकता। एक और इसके स्वभाव है, अपने को दूसरों की निगाहों में बहुत ही श्रेष्ठ, अमीर दिखाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, फिजूल खर्ची करेगा, हवाबाजी करेगा, डींगे मारना, कुछ भी कर सकता है वो। इसे केवल अपनी सुख सुविधा से मतलब होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के हित के विषय में सोचना, ये सब तो इसके स्वभाव में दूर दूर तक कहीं पर भी शामिल है ही नहीं। केवल अपना भला करने में दूसरों को कितनी परेशानी होगी, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। सारा दिन कार्य में ये व्यस्त रहना चाहता है और रहता भी है, परंतु ऐसा ये कोई कार्य नहीं करता जिससे इसको किसी भी प्रकार की जरा सी भी कठिनाई हो। तो ये सारा दिन काम तो करेगा, पर हल्का फुल्का ऐसा काम जिससे इसका दिन आराम से कटे, कुछ प्रोडक्शन हो जाए, यानी कुछ जो चाहता है करना वो मिल जाए और व्यस्त रह सके, तो ये उसकी नेचर होती है। तो इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। कैल्केरिया कार्ब के कुछ अलग पक्ष भी थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि कैसे अलग अलग रोग अपने आप को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं और उनमें से कैसे आपको दवाई निकालनी होती है। तो इस वीडियो को आप देखें, बार बार देखें, तो आपको कुछ हद तक समझ आएगा। और फिर इसको शेयर करें हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इससे फ़ायदा उठा सके, अच्छी होम्योपैथ बन सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कुछ भी मुझसे चाहते हैं, जो कुछ इस केस में कमी रह गई है, तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि जब वो कमेंट इकट्ठे हो, मैं पढ़ता हूँ सभी के कमेंट, ज़्यादातर का जवाब भी लिखता हूँ उसमें, पर सबका जवाब, जो सवाल इस किस्म के होते हैं कि सर आपने ये रूब्रिक ऐसे क्यों लिया, या क्या हम इस रूब्रिक को इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या इस ऐसा भी रूब्रिक ले सकते हैं हम लोग, तो इसको वहाँ चार शब्दों में नहीं लिखा जा सकता इसका जवाब। इसलिए ऐसे चीज़ों के जवाब देना उस प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं होता है। उसके लिए तो फिर लंबे वीडियो बनाए जाते हैं, तो वो तो जैसे वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं कि आप ये पूछना चाहते हो, तो फिर कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में मैं उनको शामिल कर लेता हूँ। तो इसलिए सवाल जैसा भी आपको पूछना है, वो जैसी भी प्रतिक्रिया आपको करनी है, वैसी खुल के करें, बिल्कुल हेजिटेट ना करें। आप बिल्कुल जैसे सामने अपने एक मित्र के साथ, भाई के साथ, बड़े के साथ, जैसा भी आप रिश्ता बनाना चाहते हैं मेरे से बनाएं, आप खुल के उसी हिसाब से आप बात कर सकते हैं। और इन वीडियो से आप लाभ उठाएं और अच्छे होम्योपैथ बने। धन्यवाद।